हेलो। तो गाइस देख सकते हो रेस्क्यू की कॉल आई, हम जा रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए। लड़के ने फ़ोन किया है तो अभी दिखाते हैं। सूर्य फार्म में घुसा हुआ कोई स्नेक, दिखाते हैं कौन सा स्नेक है कौन सा नहीं। तो हम जा रहे हैं उधर, देख सकते हो मैं पहुंच गया हूं। देख रहे हैं कौन सा स्नेक है, ये रेड स्नेक का बच्चा है, तो हम डोगरी में इसको बेंस बोलते हैं। वो पकड़ लिया उन्होंने, देख सकते हो ये बैठा हुआ है कप के अंदर, मतलब 1.5 फुट से ऊपर ही है ये स्नेक। बिना वायनिस होता है इसको, मतलब जहर नहीं पाया जाता है, जहरीला नहीं है। तो देख सकते हो ये स्नेक के हाथ में पकड़ा हुआ है, तो हमारी कॉपी मत करना कृपा करिए, मतलब जहरीला भी हो सकता है। हमको जानकारी है इसलिए हम रेस्क्यू करते हैं इन स्नेकों का। तो हम क्या करते हैं, मतलब इनको बचाने का काम करते हैं। अगर किसी के घर में स्नेक घुसता है तो वाइल्ड लाइफ वालों की कॉल कर सकते हैं, उनका काम होता है रेस्क्यू करना, हम भी रेस्क्यू करते हैं। तो देख सकते हो हम बचाने का काम करते हैं, उनको जंगल वगैरह में रिलीज कर देते हैं, फॉरेस्ट एरिया में। तो देख सकते हो हम लोग हिंदू शास्त्र में इसको देवता मानते हैं, नाग देवता बोलते हैं हम लोग इनको पूजते हैं। तो भोले शंकर की गले की शोभा है, तो देख सकते हो जरैट स्नेक का बच्चा है, बेबी भी नवाइनस होता है। अगर मैं इसको प्रेशर करूँगा तभी ये काटेगा, वरना नहीं काटता है ये। अगर पैर रखो या मतलब कोई भी चीज़ जीव जंतु है तो उसको मतलब जाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अगर इसको प्रेशर दोगे तभी ये बाइट करेगा, या पैर रखोगे या हाथ रखोगे कुछ भी करोगे। ये लड़का खड़ा है पीछे, तो इसने फ़ोन किया था हमको, इसका नाम सोनी है। तो देख सकते हो ये बेबी स्नेक है, अब हम इसको रिलीज कर देंगे फॉरेस्ट में, मतलब जंगल में जहाँ घर घूर नहीं होंगे। तो देख सकते हो जिनका मालिक था इधर तो बहुत घबरा रहा था, तो देख सकते हो ये मालिक खड़ा है इसका पैरस वाला। तब हम इसको रिलीज करने जा रहे हैं, तो दिखाते हैं अभी रिलीज करके। तो हम लोग रिलीज करने निकल पड़े हैं जी, इधर आ गए हम। नाग दोष वगैरह नाग हत्या लगती है, तो इन स्नेका को स्नेक को मत कृपा करिए मारिए। हम लोग पूछते हैं जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय माता दी।